कुवैत से रिलेटेड। जी भाई, कुवैत ने तो, सऊदी और कुवैत ने तो एकदम बढ़िया तरीके से आपकी ऐसी की तैसी कर दी, और फिर से कानून अपनी मर्जी से भाई, लेकिन सरकार उनकी, देश उनकी, आप तो वहां पे नौकरी करते हैं तो उनकी चलेगी ना, आप समझ सकते हैं इस बात को, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। उन्होंने कुछ अपडेट दिए हैं, बता दूं आपको, जानना जरूरी है मेरे हिसाब से। मैंने एक वीडियो बनाया था, 1,76,000 के करीब इनलीगल वर्कर थे, कुछ इंडिया आ रहे थे वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ था, कुछ उसमें आंकड़े निकल के आ रहे हैं, लेकिन 1,25,000 के करीब इनलीगल वर्कर अब भी कुवैत में बैठे हैं। खास तौर से उनके लिए भी अपडेट है, जो लोग अपने अपनी कंट्रीज आ चुके हैं, जिनका वीजा एक्सपायर हो गया, उनके लिए भी अपडेट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज, कुवैत से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। क्यों, आपको पता है कुवैत में काफी सारे इनलीगल वर्कर हैं। पहले कोरोना जब स्टार्ट हुआ था मार्च अप्रैल में, सरकार ने बोला ये टिकट लो और अपने अपने कंट्रीज जाओ, लेकिन कुवैत के लिए फ्लाइटें नहीं थी, लोग फंस गए। उसके बाद में सरकार ने पकड़ने का एक अभियान चलाया कि पकड़ के अंदर डालो, लेकिन डाल के करेंगे क्या भाई, अंदर जेलो, जेल भर जाएगी, फ्लाइटें बंद है। उनके बाद में सरकार ने वीजा एक्सटेंड करने पे रोक लगा दी थी। जी हाँ, उसके बाद में एक बार फिर बोला कि भाई अपने अपने देश चले जाओ, हम आपका कुछ, आपको इलीगल नहीं करेंगे, आपको ब्लैकलिस्ट नहीं करेंगे, वापस आ जाना। अभी सरकार ने एक ऑप्शन पिछली बार दिया था कि भाई जो इनलीगल वर्कर हैं, जिनके वीजा खत्म हो चुके हैं किसी भी रीजन से, कोरोना की वजह से बिजनेस नहीं हुआ वगैरह वगैरह, तो वो अपना वीजा एक्सटेंड करवा सकते हैं। हालांकि उसमें तारीख दी गई थी 1 फरवरी तक का, यानी जनवरी 1 फरवरी तक का टाइम था कि भाई इतना टाइम है, आप अपना वीजा रिन्यू करवा लें, लेकिन इसको सरकार ने बढ़ा के 2 मार्च कर दिया है। जी हाँ, 2 मार्च तक सरकार ने बोला है कि भाई आप अपना कोई भी रीजन से वीजा एक्सपायर हुआ है वो वीजा रिन्यू कर लें। अगर आप अपना वीजा रिन्यू नहीं करेंगे, स्टेटस अपना चेंज नहीं करेंगे, तो आपके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, अंदर डाल के ब्लैकलिस्ट करके आपको देश से बाहर भेज दिया जाएगा, अपने अपने देशों के लिए, जब भी मौका मिलेगा पुलिस का वहां का, आप समझ सकते हैं, सुरता बोल दो। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कुवैत में रहना है, काम करना है, तो वीजा लगवाओ। आपको देखिए, सोच समझिए, ठीक है कोरोना में दिक्कत है, पैसा नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन आप जब इंडिया आओगे तो आपको ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, आप कुवैत नहीं जा सकोगे। हर बार फिर आप यहाँ आओगे, 2-3 महीने के बाद में अंदर से कीड़ा जगेगा, क्योंकि घर वालों, घर दिखता है पीछे, तो आपको बाहर तो जाना पड़ेगा। फिर आप किसी एजेंट के चक्करों में पासपोर्ट ऊपर वाली जेब में डाल के घूमते फिरोगे, कहीं इंटरव्यू है क्या, इंटरव्यू चल रहा है क्या, कोई एजेंट बैठे हैं बेवकूफ बनाने वाले वगैरह वगैरह, फिर वही सिस्टम, पैसा तो लगेगा। किसी भी कंट्री चले जाओ, लाख रुपए का खर्चा आपका आएगा, तो बढ़िया ना, वीजा रिन्यू करवा के एक नंबर में शांति से आओ ना, उसी माहौल में आप दोबारा जा सकते हो, क्योंकि अभी वैक्सीन चल गई, उम्मीद है अप्रैल से दोबारा स्टार्ट हो जाए, तो वीजा तो लगवा लो, फायदा में रहोगे। और भाई जो लोग कुवैत से अपने अपने देश आ चुके हैं, उनका कुवैत सरकार ने बोला आपका कुछ नहीं होने वाला, आपके वीजा एक्सपायर है, आप अपनी कंट्री रहो, आपको यहाँ पे परमिशन नहीं मिलेगी, कुवैत सरकार का साफ साफ आदेश है, तो भाई आपका कुछ हो नहीं सकता। हालांकि आपके ऊपर तो कार्रवाई क्या होनी, आप तो अपनी कंट्री बैठे हो, ब्लैक लिस्ट तो हो नहीं सकते। जब वीजा दोबारा स्टार्ट हो जाए तो आप अपना दूसरा वीजा अगर चाहो तो ले सकते हो, वीजा लेके दोबारा कुवैत जा सकते हो, बाकी उस वीजा में भूल जाना, कुवैत में नॉट एंट्री, आपकी कोई एंट्री नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखें। बस ये 2 अपडेट छोटी सी थी, आप लोगों के साथ शेयर कर दी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।